क्या 100 मीटर का छक्का मारने पर बल्लेबाज को मिलेंगे 12 रन। देखिए क्या नया पक रहा है क्रिकेट जगत में। दोस्तों क्रिकेट में आए दिन नए नए नियम लागू हो रहे हैं, ऐसे में इंग्लैंड की टीम के पूर्व कप्तान केविन पीटरसन ने एक बार फिर से इस बात को आगे रखा है कि अगर बल्लेबाज ने 100 या इससे ज्यादा मीटर दूर छक्का मारा है तो उसे 6 से अधिक रन मिलने चाहिए। दरअसल भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा भी इसी तरह की दलील दे चुके हैं। उन्होंने कई बार अपने इंटरव्यू में भी इस बात का जिक्र किया है कि क्रिकेट को दिलचस्प बनाने के लिए इस तरह के नियम आईसीसी को लागू करने चाहिए कि अगर बल्लेबाज 100 मीटर का छक्का मारता है तो उसे 10 रन मिलने चाहिए। और अब केविन पीटरसन ने भी रोहित से एक कदम आगे निकलते हुए इसी तरह का बयान दिया है और कहा है कि अगर बल्लेबाज 100 मीटर या उससे ज्यादा का छक्का लगाता है तो उन्हें 12 रन उस छक्के के लिए मिलने चाहिए। इंटरनेशनल क्रिकेट में तो नहीं, लेकिन लीग क्रिकेट में नए नए नियमों ने इस खेल को दिलचस्प बनाने का काम किया है। इसी कड़ी में अब केविन पीटरसन ने एक एक्स पोस्ट में लिखा है कि वो नियम आने वाला है जब बल्लेबाज को 100 मीटर के छक्के के लिए 12 रन मिलेंगे। उन्होंने लिखा, 2 साल पहले मैंने कमेंट्री में कहा था कि मुझे लगता है कि अगर बल्लेबाज 100 मीटर से अधिक लंबा छक्का मारता है तो उसे 12 रन मिलने चाहिए, वो नियम अब आने वाला है। हालांकि ऐसा कुछ भी अभी किसी क्रिकेट बॉडी ने नहीं किया है। वैसे भी आमतौर पर T20 क्रिकेट में ही 100 मीटर लंबा छक्का देखने को मिलता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि इतने लंबे छक्के रोज लगते हों। बता दें IPL जैसी लीग में भी बहुत ही मुश्किल से एक दर्जन छक्के ही पूरे सीजन में 100 मीटर या उससे ज्यादा के होते हैं। उन्हीं छक्कों और उस तरह के छवि के बल्लेबाजों को प्रोत्साहित करने के लिए अगर 12 रन दिए जाएं तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि अब हर बड़े मैच में हमें 6 की डिस्टेंस का पता चल जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ गई है। पहले के समय में ऐसा नहीं हो सकता था, लेकिन अब इस तरह के नियम संभव है। अब आपका क्या इस नियम पे मानना है, हमें कॉमेंट कर जरूर बताइएगा।